कभी भी बाइक को डबल स्टैंड पे लगाना है ना, बाइक को पकड़ो यहाँ से स्टैंड रखो नीचे, और यहाँ से उठाना बाइक को, सिंपल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आपका होस्टिंग दोस्त हर्षानी। तो सेम डे सेकंड शूट, आई डोंट नो, ये वाली वीडियो पहले आ रही है जो मैंने इससे पहले करी, वो पहले आ रही है, जो उनसे भी पहले आ रही है भाई, एडजस्ट कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको एक टिप दे दी भाई, काफ़ी भाई लोग पूछते हैं भाई बाइक को डबल स्टैंड पे कैसे लगाना है। हमेशा बाइक को यहाँ से उठाना है, कभी भी यहाँ से नहीं उठाना, कभी भी मत उठाना, उठेगी नहीं, हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ से उठाओ, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अभी थोड़े टाइम पहले दिल्ली टू मसूरी हिमाचल के थ्रू होके आया था। तो मेरा एक्सपीरियंस अपनी रॉयल एनफील्ड X350ES BS4 के साथ कैसा रहा? BS4 ले लो, BS6 ले लो, BS3 ले लो, ऑल आर ऑलमोस्ट सेम, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन में थोड़ा सा रिफाइनमेंट आ गई है, बट ऑलमोस्ट बाइक का इंजन, बाइक का हार्ट इज़ ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा बाइक के साथ में। वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बाइक की वो बातें जो मुझे रॉयल एनफील्ड के स्पेशली जो बाकी बाइक से डिफ्रेंशिएट कर रही थी पहाड़ों के अंदर, एंड नेगेटिव जो बातें मुझे बुरी लगी अपनी रॉयल एनफील्ड अपनी बॉस के अंदर, आज की वीडियो उसी के ऊपर रहने वाली है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बाइक के अंदर क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो अपनी रॉयल एनफील्ड को बाकी बाइक से डिफरेंस करती हैं। प्लस माउंटेन्स पे अगर आप बाइक लेके जाने का सोच रहे हैं या इस मोटिव से ले रहे हैं मैं राइड्स करूँगा, जो आई नो आप लोग सोचते हैं मैं राइड करूँगा, मेरा भी बहुत दिल है भाई राइड करने का। तो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाइक की पावर एंड टॉर्क इज़ अमेजिंग मैन। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा, मसूरी के पहाड़ पता कैसे हैं, ऐसे हैं पहाड़, मतलब लिटरली ऐसे पहाड़ हैं, एंड वहाँ पे अपनी बाइक बढ़िया पहले दूसरे गियर पे खींच रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कि होता है ना पावर लैग आ रहा है भाई, चढ़ नहीं रही, गड्ढों में नहीं निकल रही है, भाई आंख बंद करके पावर एंड टॉर्क पे भरोसा करो। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरी बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS है जो कि फ्रंट में है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक ड्यूअल के साथ भी आती है। बात करें इसकी ब्रेकिंग की, तो भाई ब्रेकिंग इज़ अमेजिंग। बाइक में ब्रेक की वजह से मैं इतनी बार बचाऊँ ना, एक होती ब्रेकिंग ऐसी कि ब्रेक मारी कंट्रोल में नहीं आ रही, लेकिन अपनी रॉयल एनफील्ड भारी है, 193 kg के सब है, लेकिन कंट्रोल आ जाता है इस पर। पर्सनली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की वजह से, बाइक की ब्रेकिंग हो गई, पावर एंड टॉर्क हो गई, फिर आता है कंफर्टेबल कितनी है, बाइक का सस्पेंशन कितना है। भाई बाइक का सस्पेंशन बहुत अच्छा है, गड्ढों के अंदर महसूस नहीं होता कि गड्ढों में जा रही है। सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या उसका, जो मुझे लगता है बाइक के टायर्स इतने बड़े हैं ना, 19 इंची के टायर्स हैं, तो भाई ऑब्वियसली गड्ढों में जाएंगे तो आपको महसूस तो वैसे भी नहीं होगा। तो सस्पेंशन के मामले में भाई 515 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट, हैंडलिंग, बाइक की हैंडलिंग बहुत अच्छी है। आई नो बाइक का वेट ज़्यादा है, बाइक पूरी मेटल की बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके माइंड में सबसे बड़ा डाउट आता होगा जब आप रॉयल एनफील्ड लेने जा रहे हो कि भाई इसको हैंडल करेंगे तो हैंडल हो जाएगी क्या, आसानी से पहाड़ों में मुड़ पाएगी। तो यार जब आप बाइक पे एक बार बैठते हो ना, जब बाइक आपकी मोशन में होती है, तो बेशक वो रॉयल एनफील्ड हो, बेशक वो स्प्लेंडर हो, बेशक वो हायाबूसा हो, आपकी हैंडलिंग ऑटोमेटिकली सही होती है। तो हैंडलिंग के मामले में अगर आप सोच रहे हो पहाड़ों के ऊपर कैसा इसका एक्सपीरियंस है, लॉन्ग राइड के ऊपर कैसा एक्सपीरियंस है, तो बढ़िया। तो यही थे जो चार पॉजिटिव मुझे बहुत अच्छे लगे, डिस्कस करने चाहिए थे, और भी छोटे छोटे हैं लेकिन मेजर जो डाउट्स आते हैं वो इन सबको लेकर के ही आते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, जो कि हैं अब। तो गाइस, अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की जो मुझे पर्सनली नेगेटिव लगा। भाई बाइक का रियर टायर, मैं मॉडिफिकेशन की यहाँ बात नहीं करूँगा, मॉडिफिकेशन करा के तो बाइक को कुछ भी करा सकते हो, लेकिन मैं अपनी बाइक को स्टॉक कंडीशन में यूज़ करना पसंद करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ कंपनी देती है सोच समझ के देती है। कंपनी ने इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, लेकिन एक चीज़ अगर बाइक के टायर थोड़ा सा मोटा रहते ना तो मज़ा आ जाता। बाइक को जब भी मैं पहाड़ों पे ले जा रहा था, मैं मोड़ रहा हूँ ना, तो मेरे को इतना डर लग रहा था, रोड़ियाँ आ रही थी, मेरा पीछे वाला डर ऐसे ऐसे हिल रहा था, मानो मैं बंदा ऐसे ऐसे हिल रहा था, वो तो मैंने हैंडलिंग कर ली लेकिन वो ऐसे ऐसे हिल रहा था। तो जब भी आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, मैं मना नहीं करूँगा रॉयल एनफील्ड को, डेफिनेटली आप इसको चेंज करा सकते हो अपने टायर को, एंड मैं भी लॉन्ग राइड करूँगा तो डेफिनेटली अपनी रियर टायर को फ्रंट चेंज ज़रूर कराऊंगा, फ्रंट को कराऊं या ना कराऊं, लेकिन रियर टायर को तो चेंज डेफिनेटली कराऊंगा। तो गाइस, अब आ जाते हैं सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक डिसअपॉइंटिंग लगा, बाइक की लाइट्स। ये है अभी लो बीम पे एंड ये है हाई बीम पे, मेजर कोई डिफरेंस नहीं आता, हाई पे यूज़ करो लो पे यूज़ करो। बाइक की मैं जब रात में, ऑब्वियसली आप कभी भी आप घर से निकलते हो राइड के लिए तो आपको पता नहीं होता घर कितने बजे पहुंचूंगा तो कब पहुंचूंगा, सुबह पहुंचूंगा रात को पहुंचूंगा, तो बाइक को प्रिपेयर हमेशा पूरे एक टेरेन के लिए करना पड़ता है। लेकिन मैंने अपनी बाइक को रात की राइड के लिए प्रिपेयर नहीं करा था। रात के लिए डेफिनेटली यहाँ पे फॉग लाइट्स लगती हैं, बहुत कुछ लगता है, लेकिन दो हज़ार इलीगल एंड इलीगल चीज़ को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। अब जब पता है रॉयल एनफील्ड को कि यार ये सब एक्स्ट्रा लाइट्स लगाना इज़ नॉट लीगल, तो यार एक लाइट
थोड़ी सी पावरफुल दे देते ना तो मज़ा आ जाता। तो गाइस 349 सीसी का इंजन, 19.8 bhp, 28 nm ऑफ टॉर्क, फिर भी सिर्फ 5 गियर्स, क्यों यार? बाइक के अंदर बहुत पावर है, मैं पर्सनली चलाता हूँ, मुझे पता है 110 115 पे जाती है ना बाइक, कहती और आगे ले जाओ, लेकिन जस्ट बिकॉज इसमें गियर नहीं है यार, 5 गियर दे रखे हैं, अगर एक गियर एक्स्ट्रा देते ना 6 गियर दे रहते हैं मज़ा आ जाता। आपको लग रहा होगा काफ़ी स्टूपिड बातें कर रहा है, क्या बच्चों वाली बात कर रहा है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें जो कमियाँ मुझे लगी मैं वो बता रहा हूँ। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, पावर बाइक में बहुत है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन अगर आप इसमें एक एक्स्ट्रा गियर दे रहे थे ना तो बाइक आपकी और आगे जा सकती थी। तो गाइस बाइक में बहुत कम कमियाँ हैं, लेकिन ये चीज़ पर्सनली मैंने फेस करी है, रॉयल इनफील्ड को डेफिनेटली इसके ऊपर एक वर्क करना चाहिए। आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन मेरी बाइक का साइलेंसर अभी आपको लग रहा है टाइट है, लेकिन जब मैं राइड पे था ना ऐसे ऐसे हिल रहा था बाइक, पूरी ऐसे ऐसे हिल रहा था, एंड इसके चक्कर में मुझे रेयर ब्रेक मारने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ब्रेक को ये टच कर रहा था एंड देन ब्रेक भी नहीं लग पा रही थी। तो आई डोंट नो कि मे बी इसकी पट्टी पीछे से पतली है या क्या रीज़न है, लेकिन ये चीज़ है जो कि रॉयल इनफील्ड को कंसिडर करनी चाहिए और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहिए। साइलेंसर लूज होने की बहुत दिक्कत आती है, साथ ही साथ अगर आप साइलेंसर को टाइट करना चाहो तो बाइक के साथ 14 नंबर की चाबी मिली है सारे रॉयल इनफील्ड वालों को, मेरी बात हुई एजेंट से, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर 12 नंबर की चाबी लगती है, तो वो भी आपको एक मैकेनिक से लेनी पड़ेगी, क्योंकि रॉयल इनफील्ड की पता नहीं है मिस्टेक है क्या है, उन्होंने सारी रॉयल इनफील्ड के अंदर 14 नंबर की चाबियां दे दी है, 12 नंबर की दी ही नहीं है। तो कभी भी डिलीवरी ले रहे हो ना बाइक की तो मेक श्योर एक 14 नंबर की चाबी हो, एक 12 नंबर की चाबी हो, कि कल को आपका साइलेंसर लूज हो तो आप इसको टाइट कर सको। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, शॉर्ट सिंपल एंड क्रिस्प, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड कुछ सीखने को ही मिला होगा। पर्सनली जो एक्सपीरियंस मैंने अपना फेस करा आप लोगों के साथ शेयर करा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, एंड जो भाई लोग पूछ रहे हैं 10K स्पेशल वीडियो कब आएगी, भाई आएगी आएगी आएगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त हर्ष सानी, बाय बाय। तो गाइस बात करें बाइक की माइलेज की, जो आपके माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अराउंड 37-38 की माइलेज आई है मेरी, पर्सनली मेरी आई है, करण भाई की एवरेज थोड़ी कम आई है क्योंकि उनके और मेरे पेट्रोल के डिफरेंस में अराउंड 200-250 रुपये का डिफरेंस था। ये भी मैंने जो मैंने तरीके बताए हाउ टू इंक्रीज माइलेज वो वाले मैं फॉलो करता हूँ, इसकी वजह से मेरी माइलेज ज़्यादा है।